नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आरसीबी को टूर्नामेंट में पहली हार का स्वाद चखना पड़ा है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने बेंगलोर को 97 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही पंजाब का कोहली की टीम के खिलाफ हार का सिलसिला भी टूट गया। लगातार 4 मुकाबलों से टीम हारते हुए नजर आ रही थी। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आरसीबी की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 207 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम 109 रनों पर सिमट गई। आरसीबी की इस करारी हार के पीछे क्या वजह रही, इस पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बड़ी बात कही है। गौतम गंभीर ने कहा, मैं जानता हूं कि शिवम दुबे ने पहले 2 अच्छे ओवर निकाले थे। हाँ, आपको उनको 3रा ओवर भी देना चाहिए था, लेकिन 20वां ओवर नहीं देना चाहिए था। गौतम गंभीर ने यह भी बताया कि शिवम दुबे को कप्तान कोहली को 20वां ओवर क्यों नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा, जब केएल राहुल जैसा बल्लेबाज 100 से ज़्यादा रन बनाकर खेल रहा हो तो आप कैसे रिस्क ले सकते हैं। मैं नवदीप सैनी या डेल स्टेन को आखिरी ओवर में गेंदबाजी कराता। हालांकि डेल स्टेन अच्छे डेथ ओवर्स के गेंदबाज नहीं है, लेकिन मैंने टीम के बेस्ट गेंदबाजों को आखिरी ओवर दिया है। आपको बता दें कि शिवम दुबे के ओवर में 23 रन गए थे और सभी रन केएल राहुल ने कूटे थे। गौतम गंभीर ने कहा है कि विराट कोहली ने केएल राहुल के 2 कैच छोड़े, ये भी उनकी हार का एक बड़ा कारण रहा। गंभीर ने बताया, अगर केएल राहुल 86 या 89 रन पर आउट हो जाते तो पंजाब की टीम 185 रन ही बना पाती और फिर आपके पास 200 प्लस रनों का दबाव भी नहीं होता। यही T20 क्रिकेट है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।